गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब में फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूं। जैसे कि स्टार्टिंग में एक वीडियो देखने को मिल गया, इस तरीके से वीडियो काफी ज्यादा टिकटॉक पे वायरल हो रही है, बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इस तरीके से वीडियो आप भी कुछ कैसे बना पाओ, इसलिए मैं एक ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं। इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा इस तरीके से वीडियो कैसे बना पाओ। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगी, सबसे पहले कैनवेस्टर एप्लीकेशन आपको सकता पड़ेगा। कैनवेस्टर एप्लीकेशन नहीं आपके मोबाइल में तो यार इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, इधर जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टिकटॉक से मेरी टिकटॉक आईडी जो दिख रही है इसमें जाके आप लड़की का वीडियो लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके डाउनलोड कर लेना है। नाइजीरिया में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर कौन लड़की का वीडियो उसको भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप बिल्कुल इसको वीडियो आप इस तरह से वीडियो बना सकते हो, जैसे कि पिछले में वीडियो देखने को मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगी, चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे का प्रोसेस उसमें बता दूंगा। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल नया विजिट किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो अच्छा तो लगे तो यार लाइक तो जरूर करना यार, और आपके दोस्तों के साथ इस तरह से वीडियो शेयर कर दीजिए यार। कुछ वो भी इस तरह से वीडियो बना के कुछ टिकटॉक में लाइक फॉलोअर बढ़ा सकते हो, तो यार सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस जैसे काइनमास्टर ओपन करते हो, काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस वाला रेशो सिलेक्शन कर लेना है 9:16, इस रेशो को जैसे सिलेक्शन करते हो उसके बाद देन क्या करना पड़ेगी, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ किस तरीके से आप वीडियो एक्टिंग कर लेना है अपने नॉर्मल कैमरा से, ठीक है। पहले उस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को साउंड आएगी जो वीडियो शूट करोगे उस समय साउंड आएगी, तो उसका साउंड आप मूड कर देना, वीडियो पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इसमें क्लिक करके मूड हो जाएगी। उसके बाद वीडियो को सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ आपको इस तरह से एक्टिंग करना है, इस तरह से चलते चलते आपको एक्टिंग करना है, ठीक है। आप चाहे तो सामने से भी आके एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है, सामने चलते, ठीक है, इस तरह से एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देन क्या करना पड़ेगा, वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हो वीडियो पे क्लिक करके। उसके बाद बिल्कुल स्पीड कंट्रोल पे क्लिक करके उसके बाद आपको 0.5 रख देना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल आपकी वीडियो स्लो मोशन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, ये जो देख रही है बिल्कुल स्लो मोशन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से करोगे स्लो मोशन, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, पहले उस वीडियो को ऐड करना है, उसके बाद आपकी वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल सी बन जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद उस वाला वीडियो को ऐड करना है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हूँ, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले इसके लिए आपको मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद पहला आप बैकग्राउंड सिलेक्शन कर लीजिए कोई सा भी, ठीक है। बैकग्राउंड सिलेक्शन कर देता हूँ। बैकग्राउंड सिलेक्शन करने के बाद स्टार्ट इन पोजीशन में आ जाना है। स्टार्ट इन पोजीशन में जैसे आते हो उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया पे, उसके बाद वो वाला वीडियो आपको सिलेक्शन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाउनलोड किया है उसको मैं सिलेक्शन कर देता हूँ। उसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्लिक करके इस तरफ से जूम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको बैक कर दीजिए, उसके बाद बैकग्राउंड है बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद इसकी सबसे वीडियो की सबसे इक्वल कर दीजिए, इक्वल कर देते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगी, आपको इस टॉपिक में आ जाना है, 2.8 में आ जाना है, 2.9 में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है वीडियो पे पर, उसके बाद इस तरफ नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन के, उसके बाद आपको क्रोमा की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इसको एनेबल कर देना है, ठीक है। एनेबल जैसे करते हो बिल्कुल पीछे का बैकग्राउंड है व्हाइट बैकग्राउंड वो आ जाएगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगी, आपकी वीडियो ऐड करना है जो मैं देखा दिया था पहले, इस तरीके से एक्टिंग करना है उस वीडियो को आपका ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले लेयर पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद वो वीडियो आप ऐड करोगे जो वीडियो आप नॉर्मल कैमरा से शूट किया, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी इस तरीके से जूम कर देना है, ठीक है। जूम करने के बाद इसमें क्लिक करके बैक कर देना, बैक जैसे करते हो उसके बाद आपकी वीडियो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगी, लास्ट में जो फालतू पार्ट रहेगी आपकी वीडियो की जो एक्टिंग किया है उसका आपको डिलीट कर देना, ठीक है। इस स्टेप में आ जाना है लास्ट स्टेप में, उसके बाद वीडियो के ऊपर क्लिक कर लीजिए जो वीडियो आप एक्टिंग किया है, उसके बाद सीजर ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ट्रिम टू राइट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार वीडियो पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद साइड में 3 डॉट देखने को मिल जाएगी, 3 डॉट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको सेंड टू बैक कर देना है, सेंड टू बैक जैसे करते हो उसके बाद आप बैक आ जाना इसमें क्लिक करके, उसके बाद आपकी वीडियो बिल्कुल फिट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। सबसे पहले वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं वीडियो कैसे हुआ। वीडियो तो गाइस आप जो वीडियो देख लिया आप भी इस तरीके से अपनी टिकटॉक के लिए वीडियो मेकअप कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रही है इस वीडियो, इस तरीके से वीडियो ये लड़की का है, ठीक है। इसके साथ आपको बिल्कुल आपकी वीडियो ऐड कर देना है, उसके बाद बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है इस वीडियो, आपको बिल्कुल इस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए एक बार। तो गाइस इस वीडियो उसलिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस लड़की का वीडियो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब यार आपको इस तरीके से एक्टिंग करना है बिल्कुल, आप इस तरीके से वीडियो मेकअप कर सकते हो अपने टिकटॉक के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा नहीं था, वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर पहली बार तो आपको जरूरी आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो गाइस उसके बाद क्या करना पड़ेगा, शेयर बटन दिख रही है इसमें क्लिक करके फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी बिल्कुल आप काम हो जाएगी, उसके बाद आप टिकटॉक में जाके अपलोड कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले टेक केयर, चलिए फिर से इस तरह से एडिटिंग वीडियो में मिलते हैं।